स्पॉटिंग द एरर्स, जी आपको एरर्स पहचानना हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती, जैसे कि आपको जो एरर्स दी जाती हैं जनरली वो इस तरीके से दी जाती हैं, या तो आपको प्रोनाउन या आर्टिकल्स या फिर आपके एडजेक्टिव या प्रीपोजिशंस या फिर आपका वर्ब के कोई टेंस वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको मेनली क्या रहता है, आपको एरर गिवन होती है जिसमें आपको उसको पहचानना होता है। तो हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको पहचानते हैं, देखते हैं कि क्या एरर्स होते हैं और किस तरीके से उनको पहचाना जाता है। देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस लिखा है, I am not hungry. Beside, I do not like eggs. मतलब कि ये कि मैं हंग्री नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री बिसाइड, तो आपको यहाँ पे एरर कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ आएगा। देखिएगा सीधे से आई एम नॉट हंग्री, तो यहाँ पे ना ही कोई टेंस रिलेटेड कोई गलती है और ना ही यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन में कोई भी चीज़ है ही नहीं ऐसा कि इसमें कोई गलती हो। यहाँ पे लिखा है बिसाइड, तो बिसाइड नहीं होता एक्चुअली, ये बिसाइड नहीं होता, ये बिसाइड्स होता है। क्या होता है ये बिसाइड, तो आपको बिसाइड की जगह बिसाइड्स वर्ड यूज़ करना पड़ता है, तो इसकी ये गलती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, इकोनॉमिक्स आर नाउ डेज इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन ऑल कॉलेजेस, मतलब इकोनॉमिक जो एक सब्जेक्ट है उसको आजकल सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया पूरे कॉलेजेस में। तो इकोनॉमिक्स आर, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर लिखा हुआ है, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है तो ये तो सिंगुलर हुआ, तो आपके यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए इज आना चाहिए, इकोनॉमिक्स इज, एक्चुअल में कि हमें यहाँ पे एस देख लिया तो एस इकोनॉमिक्स, तो हमें लगा तो एक ही सब्जेक्ट इकोनॉमिक थोड़ा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा इज आएगा, तो इकोनॉमिक्स इज नाउडेज इंक्लूडेड एज अ सब्जेक्ट इन ऑल कॉलेज, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन ही हैड गॉट व्हाट ही वांटेड ही हैज गॉन होम, तो व्हेन ही हैड गॉट व्हाट, मतलब उसको मिल गया व्हाट ही वांटेड, मतलब जो वो चाहता था या वो चाहता था, ही हैज गॉन होम, तो ही हैज गॉन होम, मतलब यहाँ पे ही हैज यूज करते हैं हम टेंस में, कहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे ही हैज गॉन होम क्यों लिखा, मतलब वो अपने घर जा चुका था, जा चुका है, तो ये जस्ट अजीब नहीं लग रहा, जैसे अगर हम बोलेंगे कि जब उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया, वो अपने घर चला गया था, चला गया था, तो इट सिंपल पास्ट टेंस लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पे हैज की जगह हमें क्या का यूज करना पड़ेगा, हैज गॉन की जगह हम यूज करेंगे वेंट, ही वेंट, ही वेंट टू होम, तो यहाँ पे हैज गॉन नहीं आएगा, हैज हटेगा तो गॉन एक्चुअली थर्ड फॉर्म होती है जो हम यूज़ नहीं करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ही वेंट टू होम, व्हेन ही हैड गॉट व्हाट, मतलब जब उसको जो चाहिए था उसको मिल चुका था तो वो अपने घर चला गया, अपने घर चला गया, तो ये आपको ऑब्वियसली बात है सिंपल पास्ट टेंस हो ना कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है चुकी होगा वो अपने घर जा चुका है, बात यहाँ पे पास्ट में हो रही है, हैड, हैड इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी आपका पास्ट में ही बात, और अधिकतर मैं आपको बता दूं पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये दोनों साथ में होते हैं अधिकतर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस साथ में हो। तो नेक्स्ट पे आते हैं, इफ आई रॉट टू माई फादर नाउ ही विल रिसीव द लेटर टुमारो, मतलब मैं अगर अपने पापा को पत्र लिखा लिख दिया, मतलब रॉट मीन्स यहाँ पे तो कुछ यहाँ कन्फ्यूजन है, इफ आई रॉट टू माई फादर नाउ ही विल रिसीव द लेटर टुमारो, तो मतलब अगर मैं उनको अभी पत्र लिखता हूँ, इसका मतलब आ रहा है अगर मैं उन्हें अभी पत्र लिखता हूँ तो उनको ये पत्र कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, तो यहाँ पे रॉट ये गलत लिखा है, जैसे इफ आई मैं एक पत्र लिखता हूँ तो ताऊ ती है ते, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इफ आई राइट होगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इफ आई राइट टू माय फादर नाउ, अगर मैं अपने पापा को अभी कुछ पत्र लिखता हूँ तो ही विल रिसीव द लेटर टुमारो, तो वो उनको लेटर कल मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में था। नेक्स्ट, शी टोल्ड हर फादर दैट शी इज बिजी, ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं लग रहा है, शी टोल्ड हर, जैसे सोल्ड टोल्ड हर सेड दैट, तो शी टोल्ड हर फादर दैट ऑब्वियसली वही है,
शी टोल्ड हर फादर दैट, मतलब उसने अपने पापा को, शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने पापा को कहा कि शी इज़ बिजी, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इज ये गलत आ रहा है, क्योंकि उसने ये, कभी भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाते तो क्या होता है, पास्ट की बात हो रही होती है, तो शी टोल्ड हर फादर दैट मतलब उसने अपने पिता को ये कहा, शी वॉज बिजी होना चाहिए, शी इज ना होकर क्या होना चाहिए, शी वॉज बिजी, शी वॉज बिजी। तो यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन से रिलेटेड गलती थी, यहाँ पे हमारा टेंस रिलेटेड गलती थी, इसमें यहाँ भी टेंस से रिलेटेड थी, यहाँ भी टेंस से रिलेटेड थी, और यहाँ भी, यहाँ पर भी टेंस ही आएगा। तो यहाँ पे जनरली हमने एक चीज़ देखी है कि मोस्टली जो गलतियाँ वो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, यहाँ पे टेंस से रिलेटेड है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो आगे मैं ऐसे ही आपको और भी स्पॉटिंग द एरर्स की चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जितने भी वीडियोज मैं डालूंगा उनका आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।